हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? वेरी गुड, ओके। स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का केस डिस्कस किया, जिसमें आप किसी ऑब्जेक्ट को या किसी बाल को या छाइल के किसी बिल्डिंग से, किसी टावर से, आप एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपने प्रोजेक्ट किया, उस केस में हमने डिस्कशन किया तो उसका टाइम आप फ्लाइट कैसे निकालेंगे, रेंज कैसे निकालेंगे और आपका स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे। दूसरा हमने डिस्कस किया कि जब आप हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करेंगे तब कैसे हम उसको डिस्कस करेंगे। थर्ड हमने डिस्कस किया जब हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बिलो प्रोजेक्ट करेंगे तब हम उसको कैसे डिस्कस करेंगे। ओके, तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं, अगर इंक्लाइंड प्लेन पर किसी आप प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर रहे हो तो उसकी मोशन को कैसे आप डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे अगर इंक्लाइंड प्लेन पर आप किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर रहे हो तो उसकी मोशन को कैसे डिस्कस करेंगे। आइए हम देखते हैं इंक्लाइंड प्लेन में, ये हमारा कोई इंक्लाइंड प्लेन है, OA हमारा कोई इंक्लाइंड प्लेन है, इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल बीटा है। OA हमारा कोई इंक्लाइंड प्लेन है, इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल बीटा है और हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल पर एक प्रोजेक्टाइल को यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ओ है, ये जाकर के इंक्लाइन प्लेन के पॉइंट ए पर जाकर के ये जो है स्ट्राइक करता है, तो ओ से लेकर के ए तक की जो ये डिस्टेंस है इसको हम रेंज बोलेंगे और जितने टाइम के बाद ये प्रोजेक्टाइल जाकर के पॉइंट ए पर गिरेगा इसे हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहेंगे। क्या कहेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट कहेंगे। तो रेंज हमारा ओ ए हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी हो जाएगा। आइए हम देखें कैसे डिस्कस करेंगे। अब इस रेंज को हम इस मोशन को दो तरीके से डिस्कस कर सकते हैं। एक, इस मोशन पार्टिकल के मोशन को हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लें तब हम डिस्कस कर सकते हैं, और एक हम पार्टिकल के मोशन को अलॉन्ग द इंक्लाइन प्लेन और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन रिजॉल्व कर लें तब हम डिस्कस कर सकते हैं। तो पहले हम फर्स्ट मेथड से डिस्कस करेंगे कि हम प्रोजेक्टाइल के मोशन को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लेंगे और फिर हम उसका डिस्कशन करेंगे। आइए हम देखते हैं कैसे। तो जब आर को रिजॉल्व करेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आएगा आर कॉस थीटा, आर कॉस बीटा, आर कॉस बीटा जो है ये रेंज हो जाएगा या आप कह दीजिए कि एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा किसका, पॉइंट ए का, और आर साइन अल्फा जो है ये आर साइन बीटा, आर साइन बीटा, ये आर साइन बीटा जो है वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा किसका, पॉइंट ए का, किसका, पॉइंट ए का। तो आर कॉस बीटा, आर साइन बीटा ये दोनों पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, आर कॉस बीटा एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा, आर साइन बीटा वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा। पॉइंट ए जो है इस प्रोजेक्ट इस पार्टिकल के ट्रेजेक्ट्री पर लाई कर रहा है, तो पॉइंट ए के जो भी कोऑर्डिनेट होंगे अगर हम इसके ट्रेजेक्ट्री के इक्वेशन में रख दें तो उसको सेटिस्फाइड करेंगे। तो आइए हम देखते हैं, वो ओरिजिन है, राइट डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव ले लिया, अपवर्ड को पॉजिटिव ले लिया और ओ को पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को हमने ओरिजिन कंसीडर कर लिया। आइए हम डिस्कस करते हैं, लेट अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम सम पॉइंट ऑन द इंक्लाइन, इंक्लाइन प्लेन के किसी पॉइंट से प्रोजेक्ट किया गया एट एन एंगल अल्फा एंगल से प्रोजेक्ट किया गया, कहाँ से, विद द हॉरिजॉन्टल। देखिए जो अल्फा एंगल है इस प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन्टल से लिया गया, कहाँ से लिया गया, हॉरिजॉन्टल से लिया गया, ये एंगल कहाँ से लिया गया, हॉरिजॉन्टल से। अगर ये एंगल यहाँ इंक्लाइन प्लेन से लेंगे तो फिर इसको अलग कंसीडर करना पड़ेगा, यहाँ अल्फा को जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से हमने कंसीडर किया है और इंक्लाइन प्लेन के एंगल को बीटा कंसीडर किया है। तो अगर आप इंक्लाइन प्लेन से यू का एंगल देखेंगे तो हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा, क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा। तो आइए देखो, लेट अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम सम पॉइंट ऑन द इंक्लाइन एट एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल, मींस इंक्लाइन प्लेन के पॉइंट ओ से हमने किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है, किधर, इंक्लाइन प्लेन पर अपवर्ड, किस एंगल से, अल्फा एंगल से। अल्फा एंगल कहां से बन रहा है स्टूडेंट्स, देखिए हॉरिजॉन्टल से बन रहा है, कहां से बन रहा, हॉरिजॉन्टल से बन रहा है। तो विद स्पीड यू, किस स्पीड से किया है, यू स्पीड से, वाई इंक्लाइन इज मेकिंग एन एंगल बीटा विद द हॉरिजॉन्टल, और इंक्लाइन प्लेन का हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल है, बीटा है, इंक्लाइन प्लेन का हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल है, बीटा है, कितना है, बीटा है।
द पार्टिकल हिट द इंक्लाइन एट पॉइंट ए, ये प्रोजेक्टाइल कहाँ जाके हिट कर रहा है इंक्लाइन प्लेन को, ए पॉइंट पर। द प्रोजेक्टाइल हिट द इंक्लाइन एट पॉइंट ए, ये जाके पॉइंट ए पर हिट कर रहा है। तो देन द डिस्टेंस ओ ए अलोंग द इंक्लाइन इज कॉल्ड द रेंज, ओ ए जो डिस्टेंस होगी उसको हम रेंज बोलेंगे। एंड द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू गो फ्रॉम ओ टू ए इज कॉल्ड द टाइम ऑफ फ्लाइट, इस प्रोजेक्टाइल को पॉइंट ओ से पॉइंट ए तक पहुंचने में जितना टाइम लगेगा उसे हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहेंगे, क्या कहेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट कहेंगे। और इस ओ से लेकर के ए तक की ये जो हाइपोटेन्यूज है इसका रेंज कहलाएगा, क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। तो आइए अब हम इसका डिस्कशन करते हैं। वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम इन टू वेज, हम इंक्लाइन प्लेन की जो प्रॉब्लम है उसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, उसके दो मेथड है हमारे पास सॉल्व करने के। आगे देखें पहला मेथड कौन है, पहला मेथड है बाय रिजॉल्विंग द मोशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन। पहला तरीका ये है, इस पार्टिकल के मोशन को हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में रिजॉल्व कर दें, मीन्स रेंज को हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आर कॉस बीटा कर दिया, वर्टिकल डायरेक्शन में आर साइन बीटा कर दिया। पहला तरीका ये है कि बाय रिजॉल्विंग द मोशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन, जो ये पार्टिकल की मोशन है इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वर्टिकल डायरेक्शन में हम रिजॉल्व कर दें, क्या करते हैं, रिजॉल्व कर दें। सेकंड मेथड क्या है, बाय रिजॉल्विंग द मोशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग द इंक्लाइन प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन। सेकंड मेथड ये है कि हम मोशन को इंक्लाइन प्लेन के अलोंग और इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर जो है वो रिजॉल्व कर दें, सेकंड मेथड आपका ये है। आइए हम केस वन डिस्कस करते हैं। केस वन है आपका बाय रिजॉल्विंग द मोशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन। पहले मेथड में हम क्या कर रहे हैं, जो प्रोजेक्टाइल है इसकी मोशन को हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में हम रिजॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए इन दिस केस द मोशन ऑफ पार्टिकल इज रिजॉल्व इन टू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्स एक्सिस है, वर्टिकल डायरेक्शन में वाई एक्सिस है। आइए देखें हम रिजॉल्व करें, एक्स एक्सिस के अलावा एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो होगा। एक्स एक्सिस के अलावा क्या होगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा। और एक्स एक्सिस के अलावा वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, यू कॉस अल्फा हो जाएगी, इधर क्या हो जाएगी, यू कॉस अल्फा हो जाएगी। और वाई एक्सिस के अलावा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, माइनस जी हो जाएगा। और यू वाई कितना हो जाएगा, यू साइन अल्फा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यू साइन अल्फा हो जाएगा। तो वाई एक्सिस के अलावा ये यू साइन अल्फा हो जाएगा। आइए देखिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए, आर कॉस बीटा आर साइन बीटा। देखिए पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट ए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे एक्स कॉमा वाई। एक्स की वैल्यू कितनी है, आर कॉस बीटा, वाई की वैल्यू कितनी है, आर साइन बीटा। तो एक कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आर कॉस बीटा बराबर आर साइन बीटा हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आर कॉस बीटा और आर साइन बीटा हो जाएगा। विल बी द पॉइंट लाइक ऑन द ट्रेजेक्टरी सो इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन, मीन्स ये पॉइंट ए जो है ये जो प्रोजेक्टाइल है इसकी ट्रेजेक्टरी पर लाई करता है। तो पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट होंगे इसके ट्रेजेक्टरी के इक्वेशन में अगर हम एक्स वाई की वैल्यू पुट कर दें तो उसको सेटिस्फाइड करेंगे। आइए देखें ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन है आपका, ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन होता है वाई इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा नॉट। यहाँ पर वाई की वैल्यू हमारी कितनी है, आर साइन बीटा। एक्स की वैल्यू कितनी है हमारी, आर साइन आर, वाई की वैल्यू आर साइन बीटा है, एक्स की वैल्यू आर कॉस बीटा है। ये वैल्यू अगर हम पुट कर दें, ये वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो हमारा कितना आएगा, आइए हम देखें। ये वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो उस केस में देखिए क्या आएगा, यहाँ पर वाई की वैल्यू आर साइन बीटा रख दें, एक्स की वैल्यू हम आर कॉस बीटा रख दें इंटू टेन थीटा नाइन माइनस जी आर कॉस बीटा का होल स्क्वायर पॉइंट टू इन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा रेंज जो निकल करके आएगा, रेंज आएगा आर इक्वल टू टू क्यू स्क्वायर साइन अल्फा माइनस बीटा। अब अल्फा माइनस बीटा क्या, देखिए अल्फा माइनस बीटा आपको ये टोटल एंगल अल्फा है, ये टोटल एंगल बीटा है, अल्फा माइनस बीटा करेंगे तो इंक्लाइन प्लेन से बना हुआ एंगल आ जाएगा, प्रोजेक्टाइल में क्या है इंक्लाइन प्लेन से बना हुआ एंगल आ जाएगा, तो हो जाएगा आपका टू यू स्क्वायर साइन अल्फा माइनस बीटा, क्या साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू क्या आ जाएगा कॉस अल्फा, क्या जाएगा कॉस अल्फा अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा, क्या आ जाएगा जी कॉस स्क्वायर बीटा आ जाएगा, क्या जी कॉस स्क्वायर बीटा आ जाएगा। या इसको हम और सिंप्लीफाई करें तो जाएगा यू स्क्वायर साइन टू अल्फा माइनस बीटा, यू स्क्वायर साइन टू अल्फा माइनस बीटा माइनस साइन बीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा आ जाएगा, ये आपका रेंज हो जाएगा। अब रेंज लर्न करने का देखिए तरीका क्या है,
अभी तक हम लोग याद करते थे, लर्न करते थे यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपान जी, क्या यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपान जी। तो अब हम जी के प्लेस में हमारा क्या आया है, जी कॉस स्क्वायर बीटा आया है, क्या है जी कॉस स्क्वायर बीटा, और बीटा ये एंगल लिया गया है। और यहाँ पर जो हम टू यू साइन थीटा लेते थे, थीटा के जगह थीटा के प्लेस पर अल्फा माइनस बीटा आया है, क्या अल्फा माइनस बीटा आया है। तो अल्फा माइनस बीटा जो है इंक्लाइन प्लेन से बना हुआ एंगल हो जाएगा, तो ये रेंज आ जाएगा। अगर हमें टाइम आप फ्लाइट चाहिए तो हमारा इक्वेशन देखे, x इक्वल टू आपका हो जाएगा x इक्वल टू आर कॉस बीटा, ये रेंज हो जाएगा। x कोऑर्डिनेट हो जाएगा कितना, आर कॉस बीटा, x इक्वल टू हो जाएगा आर कॉस बीटा इक्वल टू यू कॉस अल्फा इंटू डी आ जाएगा, क्या यू कॉस अल्फा इंटू डी आ जाएगा। यू कॉस अल्फा आपका यहाँ पर हम क्या करें, टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ पर हम रेंज की वैल्यू आर की वैल्यू पुट कर दें, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा टू यू साइन अल्फा माइनस बीटा अपन जी कॉस बीटा, और टू यू साइन अल्फा माइनस बीटा अपन जी कॉस बीटा। इसको लर्न करने का मेथड क्या है, हम लोग याद करते हैं जब टू यू साइन थीटा अपान जी, तो जहाँ थीटा है वहाँ अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा, अल्फा जो होगा ये टोटल एंगल होगा, बीटा ये एंगल होगा, अल्फा माइनस बीटा ये एंगल आ जाएगा, तो आप आ जाएगा टू यू साइन अल्फा माइनस बीटा अपान जी कॉस बीटा, जहाँ पर जी आता है तो वहाँ पर क्या आ जाएगा जी कॉस बीटा आ जाएगा, क्या जाएगा जी कॉस बीटा आ जाएगा, क्या जाएगा जी कॉस बीटा। तो ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा, क्या आ जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। तो इस तरीके से जब भी कोई प्रोजेक्टाइल जो है वो किसी इंक्लाइन प्लेन पर अपवर्ड प्रोजेक्ट किया जाए, तो हम इसका डिस्कशन कर सकते हैं, इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर हमें ये बात ध्यान रखना है, यहाँ पर हमने इस कॉन्सेप्ट का यूज किया है, हमने रेंज जो था पार्टिकल का इसको रिजॉल्व कर लिया, एक हॉरिजॉन्टल में एक वर्टिकल में। हॉरिजॉन्टल हो गया आर कॉस थीटा, ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, वर्टिकल हो गया आर साइन थीटा, और इसको हमने इसके ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन में रखा था, उसको सेटिस्फाइड करा दिया, तो ये इंक्लाइन प्लेन का हो जाएगा। अब आइए हम सेकेंड मेथड की बात करते हैं। सेकेंड मेथड में हम क्या करेंगे कि इस पार्टिकल के मोशन को अलॉन्ग द इंक्लाइन प्लेन और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन रिजॉल्व कर देंगे। अलॉन्ग द इंक्लाइन प्लेन को हम एक्स एक्सिस ले लेंगे, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन को हम वाई एक्सिस ले लेंगे, और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को ओरिजिन ले लेंगे। तब हम देखते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या आता है, कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं। तो अब हम क्या करने चल रहे हैं, सेम इसी प्रॉब्लम को डिस्कस करने चल रहे हैं, इस पार्टिकल की मोशन को अलॉन्ग द इंक्लाइन प्लेन और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन जो है रिजॉल्व करके। आइए देखें इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे। ओके,